नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों सुन तो लिया ही होगा आपने, दो लेटेस्ट न्यूज आए हैं जो कि सुन के हो सकता है बहुत लोग दुखी भी हो गए होंगे, और वो किसी आम पर्सन के आए होते तो आप इग्नोर कर सकते थे, पर वो हमारे सीडीएस चीफ का बयान है तो आपको इसको बहुत ज्यादा सीरियसली लेने की जरूरत है। उसमें दोस्तों दो बयान है, इन दोनों को थोड़ा ब्रीफली हम समझेंगे और देखेंगे कि इससे क्या होने वाला है फ्यूचर में। पहला बयान कुछ दिनों पहले आया था INS विशाल को लेके, जो कि हमारा थर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर होने वाला था, और बात यह आई थी सीडीएस चीफ ने कहा था कि उसे हम कैंसिल करने को सोच रहे हैं क्योंकि हम अभी प्लान कर रहे हैं सबमरीन्स का। और अब नया बयान ये आया है कि MMRCA 2.0 की डील में इस तरीके से डील नहीं होगी जैसे कि डील पहले हमने डिसाइड की थी कि हमें एक बल्क में 110 या 114 फाइटर जेट खरीदने थे। अब उन्होंने कहा है कि हम एक स्टेगर्ड प्रोक्योरमेंट की ओर जा रहे हैं, और यही अप्रोच हम अपने सारे नए नए चीजें जो हम प्लान कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी, चाहे वो आर्मी के लिए हो, एयरफोर्स के लिए हो या नेवी के लिए हो, हम हर चीज में स्टेगर्ड प्रोक्योरमेंट का अप्रोच अपनाएंगे। तो पहले थोड़ा सा समझ लेते हैं कि स्टेगर्ड प्रोक्योरमेंट अप्रोच होती क्या है। तो इसका मतलब ये होता है दोस्तों कि आप कोई भी चीज का एक बार में बल्क ऑर्डर नहीं देते हो, बल्कि उसका ऑर्डर आप किस्तों में देते हो। जैसे कि सपोज आपको 110 फाइटर जेट की जरूरत है, तो ऐसा नहीं होगा कि आपने एक बार में 110 फाइटर जेट का ऑर्डर प्लेस कर दिया, बल्कि ऐसा हो सकता है कि आपने पहले दो या तीन स्क्वाड्रन का ऑर्डर प्लेस कर दिया, और फिर आप 5 साल या 8 साल या 10 साल बाद जाके आप फिर कुछ और एयरक्राफ्ट का ऑर्डर प्लेस करते हो। ऐसा किया क्यों जाता है? तो बेसिकली इसके दो रीजन है। ज्यादातर लोग ये समझते हैं कि ये पेमेंट के लिए किया जाता है ताकि हमारा जो पेमेंट है उसे हम इंस्टॉलमेंट पे कर पाए, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जब अगर आप 110 फाइटर जेट की डील करते हो आज, तो इसका यह मतलब नहीं होता कि आपको 110 फाइटर की पेमेंट अभी ही करनी है, पेमेंट भी आप इंस्टॉलमेंट्स पे ही करते हो। लेकिन यहां पे स्टेगर्ड प्रोक्योरमेंट का मतलब यह होता है कि जैसे जैसे आप समय के हिसाब से इंस्टॉलमेंट पे कोई चीज परचेज करते हो, एक्चुअल में आपकी परचेजिंग ही 5 साल या 8 साल बाद हो रही है, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या होता है कि आपको लेटेस्ट टेक्नोलॉजी उस समय की मिलती है। क्योंकि अगर आपने बल्क ऑर्डर प्लेस कर दिया तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या हो जाता है कि आपके ऑर्डर्स वही क्वांटिटी में, उसी क्वालिटी और उसी टेक्नोलॉजी के साथ डिलीवर होते हैं जो कि आपने आज से 10 साल पहले दी थी, जो कि हमारे सुखोई 30 MKI के साथ हुआ है, जिसे अब हम प्लान कर रहे हैं सुपर सुखोई में कन्वर्ट करने की। तो आप सोच के देखो कि ऐसा आप 15 साल 18 साल में ऑर्डर ले रहे हो, और फिर ऑर्डर लेते लेते ही वो टेक्नोलॉजी पुरानी हो जाती है। तो इसलिए ऐसा अप्रोच अपनाना चाह रही है इस समय IAF भी, आर्मी भी, और या आप बल्क में कह लो तो आप होल में कह सकते हो कि CDS ऐसा अप्रोच अपनाना चाहती है जिसमें हम बल्क ऑर्डर ना करें बल्कि हम स्टेगर्ड ऑर्डर करें, जिसमें कि हम समय के हिसाब से टाइम को और टेक्नोलॉजी को देखते हुए अपने ऑर्डर्स प्लेस करेंगे। तो इसका मतलब जहां तक मैं समझ पाया हूं ये है दोस्तों कि अब आप 99% चांस लेके चलो कि MMRCA 2.0 में जो 110 एयरक्राफ्ट की डील होनी थी, ऐसी कोई भी डील अब नहीं होने वाली है। हालांकि इसका कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया है IAF की तरफ से या CDS की तरफ से, लेकिन अब आप 99% श्योर ले लो कि MMRCA के अंतर्गत कोई भी 110 फाइटर जेट की एक साथ डील नहीं होने वाली है। तो अब क्या होगा? ऐसे सिचुएशन में 2-3 ऑप्शंस हो सकते हैं, जिसमें कि सबसे पहला हमारा ये ऑप्शन है जो कि बहुत सालों से बात इसकी भी चल रही है कि हम 36 मोर राफेल को फिलहाल के लिए परचेज करें, और बाकी फिर हम उसकी बात के बाद में देखेंगे कि हमें कोई और फाइटर जेट लेना है या फिर हमें अपने तेजस प्रोग्राम के थ्रू तेजस को ही अच्छे से डेवलप करके उसे ही प्रोक्योर करना है। तो ये तो वक्त बताएगा कि क्या होगा, लेकिन जहां तक है ये भी आप 99% श्योर मान के चलो कि कोई और जेट नहीं आने वाला है, राफेल ही आएगा, क्योंकि उस पर ऑलरेडी इंडिया ने बहुत सारा पैसा 36 राफेल के अंतर्गत खर्च कर दिया है। तो 36 अगर और खरीदेगा इंडिया तो उसके लिए बहुत सारी चीजें हमारे पास पहले से हैं, तो सिर्फ हमें फाइटर जेट चाहिए होगा। इसका एक और पुख्ता सबूत इससे भी मिल सकता है कि पहले जो डसॉल्ट कंपनी HAL के साथ कोलैब करके नहीं बनाना चाहती थी राफेल, अब वही डसॉल्ट कंपनी तैयार हो चुकी है कि हम HAL के साथ मिलके राफेल को फ्यूचर में प्लान करेंगे। तो ये सारे इंडिकेशंस इसी बात की ओर दिखाते हैं दोस्तों कि भविष्य में हमारे पास 36 मोर राफेल आने के ज्यादा चांसेस हो गए हैं, और उसके अलावा क्या प्लानिंग होगी ये अभी बहुत ही डाउटफुल है कि हम नया फाइटर जेट कोई खरीदेंगे या फिर तेजस MWF को ही डेवलप करेंगे। पर्सनली मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए दोस्तों, तो हमें जरूर अभी जरूरत है कि हम 36 या फिर उससे भी ज्यादा 2 या 3 स्क्वाड्रन और खरीदे राफेल के, या फिर इसी टाइप के किसी फाइटर जेट के, पर क्योंकि हमने राफेल ऑर्डर कर दिया है तो राफेल ही बेस्ट रहेगा।
तो हम 2 से 3 स्क्वाड्रन और खरीदे राफेल के, और बाकी समय मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि तेजस MWF पे ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अगर हमारे पास जेट इंजन टेक्नोलॉजी नहीं भी है तो भी बाकी अगर हमारे पास जो टेक्नोलॉजी है उसके थ्रू हम स्वदेशी तौर पे तेजस MWF को अच्छे से विकसित कर सकते हैं। और 83 तेजस का ऑर्डर दिया भी जा चुका है जो हमारे LCA थे, तो फ्यूचर में भी हम तेजस को और इंप्रूव करके हम अगर खुद के ही जेट को यूज करते हैं तो उससे बहुत सारी प्रॉब्लम्स भी शॉर्ट आउट हो जाएंगी और साथ ही साथ हमारी कॉस्ट भी कम पड़ेगी। क्योंकि दोस्तों आपको भी पता है कि इंडिया में जरूरत तो है ज्यादा एयरक्राफ्ट की, लेकिन ज्यादा एयरक्राफ्ट के नंबर्स की जरूरत है, वो किस क्वालिटी में होने चाहिए ये बहुत ही अलग अलग तरह की सिचुएशंस पे डिफर करता है कि किस समय हमें किस क्वालिटी के एयरक्राफ्ट की जरूरत है। तो अगर सिर्फ नंबर पूरे करने की बात है क्वालिटी को डिफर करते हुए, तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो हमारे पास कई तरह के ऑलरेडी फाइटर जेट हैं और हमारे नए ऑर्डर्स भी उसको देखते हुए हो सकते हैं ताकि हम अपने स्क्वाड्रन्स के नंबर को कंप्लीट करें। यहां पे अभी बात यह नहीं है कि हम राफेल ही बहुत सारे खरीद ले या अपने सारे स्क्वाड्रन्स राफेल या इस तरह के किसी फाइटर जेट से भर ले। राफेल हमारे पास एक लिमिटेड क्वांटिटी में 72 से 100 के बीच भी है तो चलेगा, लेकिन हमें जरूरत है कि हम बाकी की भी क्वांटिटीज पे ध्यान दें, चाहे वो हम तेजस MWF या फिर किसी इसी तरह के फाइटर जेट से पूरी करें। तो मेरे हिसाब से दोस्तों फिलहाल CDS चीफ के बयान को देखते हुए यही लगता है कि MMRCA जैसी कोई डील भविष्य में नहीं होने वाली है जिसमें हम 110 फाइटर जेट को ऑप्ट करेंगे। मेरे हिसाब से इस समय यही होगा कि 36 राफेल और परचेस कर लिए जाएंगे और उसके बाद फिर फ्यूचर प्लानिंग जहां तक मुझे लगता है वो तेजस MWF की ओर ही खींच के ले जाएगी, अगर सब कुछ सही रहा तो, और नहीं तो फिर हो सकता है कि हम 36 राफेल प्रोक्योर करने के बाद किसी और जेट की ओर जाए, पर वो अभी कम से कम 4 साल 5 साल बाद की बात है, तो उस समय क्या होगा एग्जैक्टली कहना मुश्किल है। पर फिलहाल के लिए यही है कि 110 फाइटर जेट की डील आप लेके चलो ना के बराबर चांसेस हैं होने के। हमारे पास फाइनली 36 और राफेल आएगा जो कि हो सकता है इंडिया में ही बने, ये फ्लाई अवे कंडीशन में फ्रांस से ना आए। तो दोस्तों आपका इस बारे में क्या कहना है आप जरूर बताइएगा। बाकी ये डिसीजन कितना सही है इस पे मैं अगली वीडियो बनाऊंगा कि इससे कितना फायदा या कितना नुकसान होने वाला है। आप अपने सुझाव बताइएगा कि CDF चीफ के इस बयान से आपको क्या लगता है कि किस तरह की चीजें भविष्य में हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। अभी के लिए इतना ही दोस्तों, मैं मिलता हूं आपसे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, आप मुस्कुराते रहिए।